अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा। आप देख रहे हैं शम्मस टेक्निकल इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लाल पंप के बारे में, जो कि वाटर पंप भी बोलते हैं, बोर के साथ लगता है पानी निकालने के लिए। पिछली वीडियो में हमने यूपीएस के बारे में बात की थी, मुकम्मल यूपीएस बनाना बताया था कि यूपीएस कैसे बनाते हैं, उसका मुकम्मल पहले सामान बताया था, उसके बाद उसे बना के दिखाया था, उसे चला के दिखाया था, उस पर लोड डाल के। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लाल पंप खोलेंगे और उसके बाद उसकी वाइंडिंग करेंगे, उसके बाद उसको बंद भी करेंगे कि आपको समझ आएगी। मुकम्मल पंप की वाइंडिंग करके उसे चेक करवा के आपको दिखाएंगे, आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और अगर आपको इसके मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो नाज़रीन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बैक साइड वाला टापा उतार लें, उसके बाद पंखा भी उतार लें। पंखे के पेज जो हैं वो लूज़ करके इसे भी उतार लें, उसके बाद प्लेट के पेज खोल लें। इसके पेज हमने पहले से खोल लिए हैं, इस प्लेट को भी उतार लें। ये मोटर जो है जल चुकी है, इसकी वेंडिंग जो है हम दोबारा करेंगे। इस वेंडिंग तार को निकाल के नई सेट बना के डालेंगे और बताएंगे इसमें सेट कैसे डालते हैं, मुकम्मल कैसे वेंड करते हैं। कुछ पंप जो हैं उसमें सिलाई लगी होती हैं, इसको आगे 11 के बोल्ट लगाए गए हैं, वो जिसमें सिलाई लगी होती हैं वो आसानी से वेंडिंग अलहदा हो जाती है, आगे से पंप जो है खोलना नहीं पड़ता, उसका ओजन जो है वो खोलने के बगैर हम उसे रिवाइंड कर सकते हैं। इस मोटर जो है लाल पंप, इसे खोलने के लिए पहले आगे वाला हिस्सा खोलना पड़ता है, उसके बाद इसका रूटर निकाल के लैदा होती है, फिर आगे से वो प्लेट उतरती है, फिर ये जो है ना वैंड की जाती है। इसके हम ओजन के जो बोल्ट लगे हुए हैं वह 13 की टी से उतारते हैं। ये बोल्ट जो हैं अक्सर टूट भी जाते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इन्हें निकालने का तरीका बताएंगे, किसे निकालते कैसे हैं, वेल्डिंग की मदद से निकाल के दिखाएंगे। और अगर आपको इसके मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस ओजन के सारे बोल्ट जो हैं खुल गए हैं, अब हम पेचकस की मदद से इसे अलहदा करते हैं। पंप जो है ना काफ़ी देर से बंद है, उसकी वजह से ना जंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। लाजिम ये खुल गया है, इसका इंपेलर जो है ना वो टूट गया है, ये पेच भी टूट गए हैं दो, एक जो है ना खुला है, ये हम वेल्डिंग की मदद से निकालेंगे, इसके बाद लगाएंगे इसे। और ये 18 की गोटी है, इसके साथ हम इसका इंपेलर खोलेंगे। इंपेलर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट होता है, गोटी राड की मदद से खोलते हैं। इसकी दूसरी साइड पे हमने ग्रिप प्लास डाला हुआ है जिसके साथ इसे पकड़ा है, और दूसरी साइड से हम 18 की गोटी से इसे खोल रहे हैं। नाज़रीन ये इंपेलर खुल गया है, इसके बाद ग्रिप प्लास उतार लेते हैं। तो ये रूटर जो है इसका बाहर आ गया। इसके बाद इस प्लेट को 13 के बोल्ट होते हैं, ये खोलते हैं चाबी की मदद से। ये बोल्ट भी अच्छी तरह उतार लें। के बाद हम खोल के इसके सेट जो है निकाल के दिखाएंगे, किसे मोटर से सेट जो है कैसे निकाले जाते हैं, आसान तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें वेंडिंग जो है मोटर से अलहदा करनी पड़ेगी।
पड़ती है वैंड करने के लिए, निकालने के लिए। सुना दें ये चारों पेज है खुल चुके हैं, आखिरी पेज जो है थोड़ा सा रह गया। खोल के हम इसके 11 के बोल्ट जो है ना उतारेंगे। ये लैदा हो गई है, इसे थोड़े की मदद से हम लैदा करते हैं। ये लैदा हो गई है, इसके आगे जो है ना दो बोल्ट 11 के लगे होते हैं। ये चाबी की मदद से खोलते हैं और इसकी प्लेट जो है ना लैदा करते हैं। ये प्लेट लैदा हो गई है। अब इसकी ऊपर वाली जो है डब्बी है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे भी खोल लें, कैपेसिटर उतार लें। मेन तार भी इसकी काट के निकाल दें बाहर। और ये वायर कटर है, इसकी मदद से हम तारें जो है काट देंगे। तारें सारी काट लें ताकि स्टेटर की जो पत्रियां हैं वो ख़राब ना करें। जी वायर कटर जो एक दो तारें छोड़ देता है। ये स्टार्टिंग की सेट हम काट रहे हैं, इंशाल्लाह जिस तरह स्टार्टिंग निकालनी है उसी तरह रनिंग के सेट जो है काटने हैं, उसके बाद उसी तरीके से निकाल देने हैं। ये दोनों काट लिए हैं, इसके बाद से अलहदा करें। और ये वी बनाया हुआ है हमने सरिये का, उधर दोनों सेट के दरमियान डालें और थोड़े की मदद से आस्ता आस्ता इसे लगाएं, सेट जो है बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये सेट निकल गया है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये वी आप ख़ुद भी बना सकते हैं वेल्डिंग प्लांट के ज़रिए, बिल्कुल आसान तरीके से। इसी तरह आप स्टार्टिंग के सेट जिस तरह निकालेंगे उसी तरह हम रनिंग के निकाल लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पेपर लगाएंगे और कॉइल जो है बनाएंगे, कैसे बनाते हैं कॉइल बना के दिखाएंगे, कैसे कॉइल बना के इसमें डालते हैं। जी तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।